चली गया जी। अच्छा सारणों, पहले सबसे पहले मैं आपको आज हमारी पार्टी के लिए एक खुशखबरी है। हमारे आपके एक कैंडिडेट जो नीलू खेड़ी 19 नंबर रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी है करनाल पार्लियामेंट में, उससे कंटेस्ट कर रहे थे, उन्होंने कांग्रेस के कैंडिडेट धर्मपाल गोंदर जी को अपना समर्थन देने का आज फैसला किया। दाहिनी तरफ ऑन दी राइट इज सिटिंग स्टार अमर सिंह जी, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी से। और मैं इस बात की भी जानकारी देना चाहता हूँ कि बड़े पैमाने पर तकरीबन 20,000 से 25,000 सिख समाज का वहाँ वोट है, और सिख समाज जो था उसमें ये बहुत बड़ी एक दुचित्ती में थे वो, क्योंकि उनका मन था कि इस दफा डायरेक्ट फाइट में कांग्रेस और बीजेपी के, वो चाहते थे कि कांग्रेस को जिताना और भाजपा को हराना। जो 10 साल की ये मोस्ट करप्ट और इनएफिशिएंट गवर्नमेंट थी खट्टर और सैनी साहब की, तो जहां भी हमारे भाई सामर सिंह जी मुझे बता रहे थे कि जहां भी मैं जाता रहा, क्योंकि बहुत लंबा सा तकरीबन 25 साल लगातार ये गुरु घर से जुड़े हुए हैं, ग्रंथी का काम भी कर चुके हैं, रिलीजियस एक लीडर हैं, और बड़े पैमाने पर हमारे लोगों की आस्था इनके साथ जुड़ी हुई थी, वो चाहते थे कि इनको सपोर्ट किया जाए। मगर मेजॉरिटी सिख जो थे उस सीट पर और सारे हरियाणा में भी, उन्होंने इनको यही अपील की और ये बेनती की कि सरदार साहब हम आपको वोट डालना चाहते हैं, मगर हमारा बेसिक मकसद इस दफा हमारा एम है कि जो एंटी फार्मर, एंटी दलित, एंटी बैकवर्ड क्लासेस, एंटी जवान और जो हमारी नौजवान बच्चियों के साथ ज्यादती की है भाजपा की सरकार ने, जो हमारे किसानों के साथ ज्यादती की है दिल्ली के बॉर्डर्स पर, हमारी भर्ती खत्म कर दी है, उसके लिए हम भाजपा को एक सबक सिखाना चाहते हैं। वोट तो हम आपको डालना चाहते हैं, मगर इसमें हमें लग ऐसा रहा है कि अगर हमने अपनी वोट की डिवीजन कर दी तो इसके डायरेक्ट बेनिफिट भाजपा को, तो कुछ इंटरमीडिएटरीज ने बीच में इनसे बात की, और मैं बहुत मशहूर हूँ इनका कि चंद दिन पहले इलेक्शन, जो सबसे क्रूशियल टाइम है हमारा, आज ही कुछ साथियों ने करनाल से मुझे कॉल किया है, और बिना शर्त सर अमर सिंह जी ने ये फैसला किया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं वो और उनके सारे साथी समर्थन देंगे और ये अपने आप को आपकी कैंडिडेचर से विड्रॉ करें। तो मैं सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस की फैमिली में इनकी ज्वाइनिंग पर इनको वेलकम करूंगा, इनको जी आया मैं कहूंगा। अगर इसके बाद कोई अपनी बात रखनी हो तो ये अपनी बात रख सकते हैं। हाँ जी, आम आदमी पार्टी के कर, हाँ जी आज एक मिनट उठे। मैंने आपसे बात कर ली है, कोई नहीं देखा, तुसी गल कर ली, मैं गल कर ली, एक बराबर। दस्या
ऐसा है, कोई इनको किसी से कोई दिक्कत नहीं थी। इनका एक ही मकसद था, ये भी ये मानते हैं जो कांग्रेस मानती है, जो कांग्रेस की लीडरशिप भी स्टेट में कह रही है कि मुकाबला डायरेक्टली जो अर्बन सीट्स है वहाँ है बीजेपी और कांग्रेस की, और रूरल हरियाणा में तो मुकाबला ही नहीं। तो इसमें और हमारा ये मानना है कि जितनी और पार्टियां हैं एंड स्पेशली आप जो है, जब से इनके साथ अलायंस नहीं हुआ, इनका मकसद ही ये था कि कांग्रेस को हराए। इन्होंने कैंडिडेट्स ही ऐसे चुने हैं जो बेसिकली वोट कांग्रेस की तरफ काटते थे, और इसीलिए मैं इनको बहुत मशहूर हूँ। इन्होंने जब ये बात महसूस कर ली कि मेरी, अगर लंबा अरसा मैं किसी कंपेन में रहता हूँ, जितने भी वोट इनकी तरफ कम्युनिटी की, सिख कम्युनिटी की काफ़ी ज़्यादा वोट आ रही थी, उसके साथ बेसिकली बीजेपी को एडवांटेज जा रही। हाँ जी, मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कह सकता, मगर मैं आपके जो इशारा है उसकी तरफ सहमति भर सकता हूँ कि आगे आगे आप देखिए होता है क्या। मेरा ख्याल कुछ चंद और भी अच्छी न्यूज़ आते दिनों में मिलेगी। इंडिया अलायंस की फर्क पड़ा है, इंडिया अलायंस से हिंदुस्तान के लेवल पे बीजेपी नू रोकना, इतने आपका आना बेसिकली बीजेपी को स्ट्रेंथन करने वाला। मेरा ख्याल जेडे आप दे टॉप लीडरशिप है उन्होंने भी ये गल समझ आ गई, तो इस गल का तुम देखिए तो थोड़ी जी उन्होंने भी रफ्तार इस इलेक्शन बहुत ही स्पीड ना कट रही। हाँ जी, देखो गल मेरी एक सुनो, ये चीज़ा जड़ियाँ ने क्योंकि कचहरी का काम है, ये हर गल जी जवाब अस इलेक्शन तो बात करो। अब मैं आज मेरा बेसिक पर्पज आता कला ही, बाकी चीज़ों के जवाब किसी टाइम फिर आप देवे, बहुत सारिया गलों ने जिससे जवाब की लड़ है, वो एक इंडिपेंडेंट कॉन्फ्रेंस फेयर करा अज का टाइम तो निरी इन्हों शामिल करने वास्ते ही अस। ठीक है जी, तुम आप कम करिए, बाकी आप फेयर फेस्ट करिए।